नमस्कार दोस्तों, ठंडा सीजन आ गया है, खिचड़ी खाने का मन करता है। तो आज हम लोग खिचड़ी बनाने वाले हैं। और किस चीज़ का खिचड़ी बनाते हैं बनाएंगे आप लोग को पूरी तरह से दिखाएंगे। सारा चीज़ तैयारी कर लिए हैं। कुछ हमने मटर से मिला दिया है और पालक साग। तो इन दोनों को सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं। सब मिल करके आज हम लोग खिचड़ी बना रहे हैं। रितु भी हेल्प की है, बच्चे लोग सारा हेल्प किए हैं। तो बहुत दिन से बच्चे लोग का डिमांड था कि खिचड़ी बनाएंगे। आज बाजार का दिन था इसलिए हमने ले आया और अभी हम लोग बनाते हैं। और ये रात के भोजन के लिए हम लोग बना रहे हैं। ये आग लगा लिए हैं। अभी सबसे पहले हम लोग सब्जी भूजेंगे। ये चढ़ा देते हैं डक्ची। ये देख सकते हैं दोस्तों, पालक साग को काट कर धो के साफ कर लिए हैं। और ये मटर चमी को भी हम लोग निकाल लिए हैं। और ये ढेर मसाला तैयार कर लिए हैं, प्याज वगैरह काट दिए, धनिया पत्ता और टमाटर। और ये चावल को हम लोग भिगा के रखे हैं। तो पहले हम लोग मटर और पालक साग को फ्राई करते हैं। ये गरम हो चुका है दोस्तों डेक्ची, तेल डाल दिए हैं, थोड़ा सा गरम होने देते हैं तेल को। तेल गरम हो चुका है दोस्तों, प्याज और मिर्ची का छौंका लगा देते हैं। फ्राई हो चुका है दोस्तों। सबसे पहले हम लोग मटर को फ्राई करते हैं। मटर डाल दिए हैं, थोड़ा देर तक इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। ये मटर फ्राई हो चुका है, अभी हम लोग इसमें टमाटर डाल देते हैं। ये टमाटर भी डाल दिए, इसको भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। ये टमाटर और मटर फ्राई हो चुका है। ये पिसा हुआ प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट को भी डाल देते हैं, इसको भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। खूब मस्त लग रहा है दोस्तों। ये मसाला भी डाल देते हैं। और ये हल्दी भी डाल देते हैं। ये मसाला भी फ्राई हो चुका है, अभी हम लोग पालक साग को डाल देते हैं। ये पालक साग हम लोग यहाँ पर रखे हैं। खिचड़ी खाने के लिए पत्ते का थाली बना रही है निकिता, और इधर उसका मम्मी खिचड़ी बना रही है। और अभी ये मटर और पालक साग मसाला वगैरह डाल दिए हैं, अच्छी तरह से पक जाने दीजिए। उसके बाद ये चावल डालेंगे। ये मसाला भी पक चुका है दोस्तों, अभी हम लोग चावल डाल देते हैं। चावल को भी सब्जी में अच्छी तरह से मिला देते हैं थोड़ा देर के लिए। ये देख सकते हैं दोस्तों, चावल को भी हम लोगों ने सब्जी में मिला दिया है। और ये मुर्गा मुर्गी सब आ गया, अभी शाम हो रहा है, ये लोग को थोड़ा सा चावल देना पड़ता है। ये दे दिए हैं, अभी खा रहा है ये लोग। जब तक नहीं खाता है तब तक घर घुसते ही नहीं है। और ये चिड़िया सब भी आ गया है। हम लोग का आंगन में ये पेड़ है, उसी पेड़ में रात गुजारता है सब चिड़िया सब।
दो ठो पेड़ है हम लोग का, यहाँ एक ठो है और इसमें भी चिड़िया सब बसेरा करता है, और वहाँ पर है उस पेड़ में भी पूरा चहचहा रहा है, शाम हो रहा है ना आज ये सब। अभी इतना ही मुर्गा आया है और दो चार ठो है उधर, एक ठो है इधर चल रहा है सब पैदल। अभी हम लोग इसमें नमक डाल देते हैं, तो सादा वाला मुर्गा तो इसलिए नहीं आ रहा है ना, ये लाल वाला जो मुर्गा है ना उसको डराता है इसीलिए नहीं आ रहा है। ये नमक भी डाल दिए और अच्छी तरह से चावल को भी मिला दिए सब्जी में। अभी हम लोग इसमें पानी डाल देते हैं। ये इतना हम लोग पानी डाल दिए, बाद में यदि ठीक से नहीं पकेगा तो थोड़ा बहुत और डालना होगा। और अभी हम लोग ढक्कन लगा देते हैं। ये लाल वाला मुर्गा चले गया तो सफ़ेद वाला आ गया, और साथ में दो ठो मुर्गी भी आ गया, और ये लोग भी अभी खा रहा है, खाने के बाद घर घुसेगा। ये खिचड़ी भी हम लोग का पक के तैयार हो रहा है दोस्तों, और उधर निकिता हम लोग का पत्ता का थाली भी बना के कम्प्लीट कर ली है, और अभी ठंडा सीजन में आग के सामने में बैठ करके बनाने में बहुत मज़ा आता है, ऐसे भी आग सेंकने का मन करता है। ये पत्ते का थाली बना ली है निकिता, एक दो तीन चार, और ये एक बना रही है, और बाकी तो रखे रहेंगे बाद में काम आएगा। ये काफ़ी देर हो गया दोस्तों, उठा करके देखते हैं ढक्कन। ये देख सकते हैं दोस्तों लगभग ये तैयार हो गया है, जितना हम लोग पानी डाले थे थोड़ा से बचा हुआ है और कुछ ही देर में तैयार हो जाएगा। थोड़ा देर और पका लेते हैं, और अभी अंधेरा भी हो गया दोस्तों। ये छोटा दिन है, ठंडा का सीज़न है, ये देख सकते हैं चारों तरफ अंधेरा होने लग गया है, और अभी हम लोग लाइट भी जला दिए हैं। गाँव का लाइट है, लाइट का कोई भरोसा नहीं रहता है, कब चला जाता है कोई गारंटी नहीं है। पत्ता भी डाल देते हैं। इसको तो ऐसे ही मिला देना है और उतार देंगे, ये थोड़ा सा पानी रहने देते हैं, और पूरा सुखा देंगे तो टाइट हो जाएगा। ये देख सकते हैं दोस्तों हम लोग का गर्मा गर्म खिचड़ी तैयार हो गया है, और अभी हम लोग उतार लिए हैं, और अभी हम लोग निकाल लेंगे खाने के लिए। ये अभी हम लोग निकाल रहे हैं दोस्तों। ये पत्ते का थाली बनाए हैं, पत्ते का थाली में गर्मा गर्म खिचड़ी खाने से बहुत ही स्वादिष्ट होता है दोस्तों। ये गर्मा गर्म निकाल लिए दोस्तों खाने के लिए। बहुत मस्त लग रहा है दोस्तों, बहुत दिन के बाद खिचड़ी बनाए हैं।